I just saved 2.5 lakh rupees on my home loan. How? Let me tell you. So, हमारा एक home loan चल रहा है जिसके principal due was now 57 lakh rupees and the tenure due is approximately 5 years. So, पिछले एक डेढ़ साल से आप जानते ही हैं कि interest rate बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. So, हमारा interest rate 7.5-8 से बढ़ के आज के दिन में 9.5 से 9.6% के बीच में आ गया है. So, इसका ये मतलब है that in the next 5 years I will have to pay 15 lakh rupees of interest on this loan अगर मैं उसको 5 साल में ही repay करती. तो हमने क्या किया, हमने उसको refinance कराया. So, we shifted the loan to another bank. अब after a lot of negotiation and also because our credit score is extremely high, almost in the range of 750 to 800, हमें दूसरे बैंक से ऑफर मिल गई 8.45%. Now, इससे क्या हुआ? So, सबसे पहला फायदा ये हुआ कि जो हमारा 15 लाख रुपए का ब्याज था वो घट के आ गया 13,08,000 रुपए पे. So, almost हो गई 2 लाख रुपए की बचत. फिर हमने ये रियलाइज किया कि हमारी EMI पुराने बैंक के साथ ऑलमोस्ट 1.2 पर मंथ की थी. तो विद द रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट हमारी EMI कम हो जा रही थी. बट वी टुक अ कॉल ऑफ इंश्योरिंग कि हम अपनी EMI को उसी लेवल पे मेंटेन करेंगे, दैट इज 1.2. इससे सेकंड फायदा क्या हुआ कि हमारा टेन्योर 5 साल से घटके 4.85 मतलब 2-3 महीने और कम हो गए. इससे तीसरा फायदा ये हुआ कि जो ब्याज 13,08,000 रुपए पे आ रहा था वो और 30,000 रुपए से घट गया. तो ओवरऑल बचत क्या हुई, ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि राइट नाउ व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर ओनली राइजिंग एंड राइजिंग एंड राइजिंग, यू हैव अ होम लोन, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गेट योर होम लोन रीफाइनेंस, दैट इज गेट अ बेटर ऑफर फ्रॉम अनदर बैंक एंड इंश्योर दैट यू सेव योर हार्ड अर्न मनी.